नमस्कार, इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूँ। राम के प्रति जो आस्था है लोगों की, वो इस वक्त हर जगह नजर आ रही है। ऐसा नहीं था कि हम पटना से रास्ते से आते वक्त जब हमने पैदल चलते लोगों को दिखाया तो वो केवल राजधानी पटना या उसके आसपास या बिहार के लोगों का की है आस्था रही हो, ये आस्था हर जगह नजर आ रही है। इस वक्त जब हम यहाँ पहुंचे, अयोध्या पहुंचे, तो यहाँ मुझे ये भाई साहब भी दिखाई दिए जो बलिया से आ रहे हैं। जिन्होंने मुझे बताया कि बलिया से आए हैं। सबसे पहले आपका नाम जानूंगा भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु सिंह है, मैं बलिया का हूँ। बलिया में कहाँ से हैं भाई साहब? बलिया में रामपुर देवान मेरा गांव है, वहीं से। अच्छा, तो आप लोग क्या पैदल ही आए? जी, हम लोग बलिया के भृगु मंदिर से यहाँ तक पद यात्रा करके आए हैं। कितने दिन लगे? 12 दिन लगे हम लोग। और आप लोग तीनों लोग दोस्त है क्या है? जी, हम लोग साथी हैं, सब दोस्त हैं। जी, अच्छा, तो ये कितना मुश्किल था सफर? थोड़ा भी मुश्किल नहीं था, मजा आ गया एकदम मजा आया। अपने जीवन का जो क्षणिक मोमेंट होता है वो मैं 10-15 दिनों में जिया हूँ। पैदल कोई रास्ते में दिक्कत परेशानी? समस्याएं कितनी भी बड़ी हो, जब ऊपर वाले का वरदान रहता है। अच्छा, क्या लोगों ने स्वागत भी किया आपका? जी, बहुत स्वागत किया। ऐसा लग रहा था कि मतलब राम भक्त जितने वो थे बहुत समर्पित थे इसके लिए, बहुत जोरदार स्वागत करते थे, हर प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध कराते थे। अच्छा, व्यवस्था रास्ते में लोगों ने उपलब्ध करवाई। देखिए, मैं आपको अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक वर्णन किया जाता था कि भगवान राम जब आ रहे थे या किसी इलाके में जाते थे तो इस बात का चित्रण रामचरितमानस में भी किया गया है, वर्णन किया गया है कि रास्ते में मिलने वाले जो लोग थे वो दूसरों को भी संदेश भेजते थे और कहते थे कि राम से मेरी बात कहियो, भगवान राम को बताइए कि भैया मैं आपसे मिला था, मुझ पर भी कृपा कीजिए। तो कुछ ऐसा ही नजारा इन लोगों ने बताया कि किस तरीके से लोग जो है रास्ते में मिले और उनसे भी अपील। क्या लोगों ने क्या कहा, क्या भावना थी? जिस प्रकार आपने बताया कि लोग मिलते थे तो आगे संदेश, वैसे ही ठीक जैसे मैं आज कहीं स्टे कर रहा हूँ तो अगले दिन के मेरे स्टे की व्यवस्था खुद करने लगते थे। बोलते थे कि यहाँ इतनी दूर चल लोगे तो वहाँ ये मेरे भाई का घर है, ये मेरे अंकल का घर है, आप वहाँ रुक जाइएगा, और उनको पहले से इल्तिजा कर देते थे, बता देते थे, और वो लोग पहले से ही हमसे फोन के माध्यम संपर्क करते थे, भैया कहाँ तक हैं आप, कितना देर लगेगा आपको आने में हमारे यहाँ, अगर मेरे को अगर उससे आगे जाना हो तो चाय पानी कहते ठीक है मेरे यहाँ चाय पानी पी के आप आगे जाइए। अच्छा, कुछ आपके जरिए दान स्वरूप कुछ भेजा भी लोगों ने? हर जगह से, जैसे अब कोई गरीब माता भी है, चाहे किसी दुकानदार वाला या कोई ड्राइवर वाला, ये देख रहा था कि मैं जा रहा हूँ तो यथाशक्ति वो हमें सहयोग करते थे कि आप जाइएगा, मेरे लिए भी आशीर्वाद मांगिएगा और मेरे जगह पे उनको दान कर दीजिएगा। बिल्कुल। और भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियांशु सिंह है, मैं इनका छोटा भाई हूँ। अच्छा प्रियांशु जी, आप लोग ये एंग्री हनुमान का ये झंडा लेके निकले हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम युवराज सिंह है। ये अच्छा, ये एंग्री हनुमान का झंडा नहीं है, हमारे घर का ध्वज है ये। आप अच्छा, हाँ। ये आपने घर पे लगा रखा? हमारे घर पे ये ध्वज लगा हुआ था, वहाँ से हम लोगों ने निकलवा कर इसे यहाँ तक लाया है प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करने के लिए। दर्शन हुए आप लोगों? दर्शन हो गए, दूर से ही हुए होंगे अभी? नहीं, दर्शन नजदीक से हुआ है। हाँ। जहाँ से सबका होता है वहीं से हुआ है, जहाँ से सबका हुआ है। कैसे हमारी कि प्रभु श्री राम को एक बार महल में भी दर्शन कर ले, तब तक हम लोग स्टे किए यहीं पे रुके। 22 तारीख तक रहेंगे कि 25 तारीख तक रहेंगे? जब दर्शन हो जाए तब उसके बाद ही जाएंगे वापस। आप जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। मतलब दर्शन करने आए हैं और दर्शन के बाद ही जाएंगे, तो ये है भगवान राम के प्रति आस्था। और मैं आपको ये दिखाऊं कि देखिए अयोध्या नगरी इस वक्त जो है पूरी तरीके से राममय हो चुकी है, राम की आस्था में लीन हो चुकी है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अयोध्या को नए स्वरूप में देखने का मौका मिल रहा है, गलियों को खूबसूरत बना दिया गया है, चारों तरफ लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। और इस वक्त आप देखिए कि यहाँ पर तमाम बैनर्स और पोस्टर्स के जरिए भी जो है लोग अपनी भावना जो है वो व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लोगों की आस्था जो है वो उमड़ कर जो है अपना 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 वेग दिखाती हुई नजर आ रही है, आस्था का जो उबाल है वो इस वक्त जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो लोग दिल में भगवान राम को पाने की इच्छा लेकर चल रहे हैं रास्ते भर में उनका स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। सहयोगी साकेत के साथ केशव सुमन सिंह।